शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शुरा का नाम और हवतीन मुजरा असलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला का और अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया कि मुझे इस मरतबा फिर से नई नात लिखने की तौफीक अता फरमाई और मुझे और डॉक्टर नूरम रुई साहब को फिर से ये बाबरकत आलीशान और रूहानी नातिया मुशायरे की तौफीक अता फरमाई। मेरी और नूर इंटरनेशनल की जानिब से आप सभी की आमद का बेहद शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आप सब आप सबकी जितनी भी मुश्किलें हों वो आसान करके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े को खुशियों में बदल दे और सभी के दिलों में नफ़रतें खत्म करके मोहब्बत और प्यार भर दे। आमीन सुमा। जगह में सद की इजाज़त से अपनी नातिया का नाम आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। एक मरतबा मोहब्बत से सब दरूद शरीफ़ पढ़ लीजिए। खवातीन हज़रात, मेरा ख्याल है कि नात में फनकारी से ज़्यादा अकीदत को मुकदम रखना चाहिए, इसलिए मेरी इस नात को इसी पैमाने पर ना भी इसकी बहर एक है लेकिन रदीफ़ और काफ़ी अब मुख्तलिफ हैं अलग अलग इस्तेमाल की। उनकी आमद से सहरा में आई बहार, उनकी आमद से सहरा में आई बहार, गुलशन हस्ती बिखरा हुआ था तमाम। उनकी आमद से सहरा में आई बहार, गुलशन हस्ती बिखरा हुआ था तमाम। जब दरूदों के नगमे बिखरने लगे बरसने लगे, जब दरूदों के नगमे बरसने लगे, यूं लगा जैसे आई बहारों की शाम। सुन, जब दरूदों के नगमे बरसने लगे, यूं लगा जैसे आई बहारों की शाम। हर मोमे का हल सीरत मुस्तफ़ा, हर मोमे का हल सीरत मुस्तफ़ा, देख लो खुद उठाकर खुदा का कलाम। हर मोमे का हल सीरत मुस्तफ़ा, देख लो खुद उठाकर खुदा का कलाम। अच्छा, तरन के साथ कुछ शामिल है फरमाइए। या मोहम्मद का मैं विर्द करती रहूं, या मोहम्मद का मैं विर्द करती रहूं, रहमतों से मैं दामन को भरती रहूं, रहमतों से मैं दामन को भरती रहूं। पढ़ रहा
बन के वो मेरी महफिल में आ गए। लिखी थी उन पे जो गजल वो भूल मैं गई, लिखी थी उन पे जो गजल वो भूल मैं गई। एक अरसे बाद नींदों से, एक अरसे बाद नींदों से मुझको जगा गए। मेहमान बन के वो मेरी महफिल में आ गए। बहुत शुक्रिया नजरात, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। मुझे खलील साहब का, एजाज साहब आपका काम बहुत ही इन्होंने आसान कर दिया, बहुत घबरा रहे थे। इनके हौसले को दाद दीजिएगा, अल्लाह इनको सलामत रखे। एजाज साहब को तमीम तना वो काम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। ये अकेले इंसान भागा दौड़ी और बगैर किसी लालच के इनके इस कॉल में साथ दीजिएगा। जो लोग बाद में आए हैं उस पर हिस्सा करना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मुजीब खलील साहब ने इनका काम बड़ा आसान कर दिया, बहुत डिप्रेस थे। और इमाम मोहम्मद असीम साहब ने अल्लाह आपको अजर जजील अता फरमाए। अब दो शायर हमारी महफिल में हैं और ये इनका कोई तारुफ नहीं है, क्योंकि इनका तारुफ कराना ऐसा लगता है सूरज के सामने जुगनू जगमगा रहा हो। इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि आप अब दोबारा आए ताज़ा दम होकर। वो शायर ने कहा था कि सुराही आएगी, खूम आएगा, फिर जाम आएगा। अब जाम आया है, खूब भर भर के पैमाने पीजिए। खालिद इरफान हमारे अहद का वो शायर है कि जो अहद साज है, बड़ा शायर है। Thank you.